हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु गुरमी किचन में आपका स्वागत करती हूँ। हैप्पी नवरात्रि आप सभी को। आज हम बनाएंगे नवरात्रि के लिए स्पेशल रेसिपी, वो है समा चावल के अप्पे। इसको हम सर्व करेंगे ग्रीन चटनी के साथ। ये उपवास में खाया जाता है। ये आसानी से समा का चावल बाजार में मिल जाता है, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, थोड़ा सा खाने वाला सोडा, पीसा हुआ जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, दही चाहिए, नारियल का खोपरा, सेंधा नमक जो उपवास में खाया जाता है, किशमिश और समा के चावल। इसे मैंने एक घंटे पहले भिगो के रखा था। इसे भिगो के धोकर साफ कर लीजिए। ये है समा का चावल। ये आपको किसी भी दुकान में आसानी से मिल जाएगा। इसे लिखा भी है उपवास के लिए। ये है मेरे पास समा के चावल। ये मैं डालूंगी मिक्सी के जार पर। अब मैं डालूंगी 3 चम्मच दही। अब मेरे को इन दोनों को पीस लेना है। मैंने पीस लिया है। अब मैं इसे एक बाउल में निकालूंगी। अगर आपका घोल पतला हो जाता है तो आप उसमें साबूदाना पीस कर भी डाल सकते हैं। अब मैं अपने घोल पे डालूंगी बारीक कटी हुई मिर्ची। बारीक कटा हुआ धनिया, ये ऑप्शनल है, आप खाते हैं तो डाल सकते हैं। नारियल का बुरादा जो नारियल का खोपरा होता है, सेंधा नमक आधा छोटा चम्मच, जीरा पाउडर 1/4 चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1 चुटकी, अब डालेंगे खाने का सोडा 1/4 चम्मच, मूंगफली या ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर मूंगफली लिया है भुना हुआ, किशमिश, अब इन सबको अच्छे से मिला लीजिए। मेरा घोल तैयार हो गया है। इसका गाढ़ापन इतना ही रखना है, ज्यादा पतला नहीं करना है। अगर घोल पतला हो जाता है तो आप उस पर साबूदाना पीस कर डाल सकते हैं। अब हम अप्पे पैन गरम करेंगे। ये अप्पे का पैन है, ये बाजार में आसानी से मिल जाता है। अब हम इस पर डालेंगे घी। आप घी की जगह तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप तेल खाते हैं तो। अब मैं इस पर डालूंगी घोल को। एक एक चम्मच घोल डाल देना। इसकी कंसिस्टेंसी, गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है। अब हम इसे ऊपर से ढक देंगे। 5 से 7 मिनट पकाने के बाद अब हम इसे देखेंगे। पांच से सात मिनट बाद आप अपना अप्पे पलट दीजिए। एक साइड से अप्पे सिक आ जाएगा। अब हम दूसरे साइड को भी इसी तरह सेकेंगे। हमारे सारे अप्पे एक साइड से सिका गए हैं और फूल भी गए हैं अप्पे। अब सारे अप्पे पलटने के बाद मैं फिर से ढक के रखूंगी 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट बाद मैं अपने फिर से ओपन करके देखूंगी अप्पे।
दोनों साइड से अच्छे से सिखा गए हैं। हरी चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए हरी मिर्च, धनिया और सेंधा नमक। सबसे पहले हम लोग मिक्सी के जार में हरी मिर्च डालेंगे, इसमें डालेंगे धनिया पत्ती और सेंधा नमक। स्वाद के अनुसार आप सेंधा नमक डाल सकते हैं। अगर आपके पास पुदीने की पत्ती है तो पुदीने की पत्ती भी डाल सकते हैं। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। अब इसे मैं थोड़ा सा ही पीसूंगी। अब इसमें मैं डालूंगी नारियल का खोपरा। नारियल का खोपरा डालने से चटनी का टेस्ट बढ़ जाएगा। अगर आप नारियल का खोपरा नहीं डालना चाहते हैं तो ऐसे ही चटनी को सर्व करिए। मैं यहाँ पर नारियल का खोपरा डाल के एक बार और मिक्सी को चला लेती हूँ। ये मेरा तैयार हो गया हरा चटनी। अब मैं अपने अप्पे को हरी चटनी के साथ सर्व करूंगी। आप इसके लिए लीजिए एक सर्विंग प्लेट, उसमें मैंने डाला है हरी चटनी। और अप्पे डालकर सजाइए। ये है हमारा समा चावल के अप्पे। आप इसे उपवास में खा सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल का आइकन भी प्रेस करिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशंस मिले। लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।